हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें खत के जरिए भी अपना ओपिनियन भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे मेरा एड्रेस दे दूंगा, आप मुझे इसके रिगार्डिंग खत भी भेज सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स कमांड के ऊपर काम किया था, मतलब ब्रेक्स कमांड में हमने पेज ब्रेक के बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, आज हम सेक्शन ब्रेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो सेक्शन ब्रेक्स का ऑप्शन है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी पेजेस होते हैं उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड करने में यूज आता है। हम चाहे तो अलग अलग पेजेस को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, या फिर एक ही पेज में हम जितने चाहे उतने सेक्शंस यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन, मतलब ये जो नया पेज होता है वहाँ से अपना सेक्शन अलग कर लेता है। मतलब मान लीजिए, अगर आपके पास चार पेजेस है तो दो पेजेस होने के बाद, मतलब जहाँ से तीसरा पेज स्टार्ट होता है वो एक न्यू पेज होता है, इसलिए वहाँ से ये नया सेक्शन को डिवाइड कर लेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट पे जाके समझाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर चार पेजेस हैं। ये पहला वाला पेज है, और ये दूसरे वाला है, और ये तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दो दो पेजेस को एक एक सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इन पेजेस को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ताकि आपको चारों पेजेस आसानी से दिख जाए। देखिए दोस्तों, अब आपको चारों पेजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये दो पेजेस हैं, इन्हें एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये जो दो पेज है इन्हें दूसरा सेक्शन बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो दोस्तों, ये सेक्शन में बटे हैं या नहीं देखने के लिए हम इस लाइन नंबर्स का यूज करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले ही आपको एक बार लाइन नंबर्स लगा के दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब मैं जाऊँगा लेआउट ग्रुप में लाइन नंबर्स के ऑप्शन पर। मैं इस ऑप्शन पर जाके यहाँ पर जो मोर बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यूस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी पेजेस पर यहाँ पर लाइन नंबर्स अप्लाई हो चुके हैं। पहले पेज से लेके चौथे पेज तक यहाँ पर लाइन नंबर अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड कर लेते हैं तो ये सिर्फ एक सेक्शन में ही पहले लाइन नंबर्स डालेगा। बाद में अगर दूसरे सेक्शन को भी हमें लाइन नंबर डालना है तो हमें फिर से मैन्युअली वहाँ पर लाइन नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करके इंसर्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं फिलहाल के लिए अभी लाइन नंबर्स ऑप्शन में जाके नन प्रेस कर देता हूँ, मतलब लाइन नंबर्स को मैं हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे पेजेस से लाइन नंबर्स हट चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, ये दो पेज होने के बाद यहाँ पर जो तीसरा पेज है इसके स्टार्टिंग में मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन को डिवाइड करने वाला हूँ। चलिए, मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया है, और मैं इस ब्रेक्स कमांड में जाता हूँ, और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स में यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करते ही क्या होता है, यहाँ पर ये जो पेज है एक नया पेज है, तो यहीं से हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैं करके दिखाता हूँ। वैसे भी मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक करके रखा है, और अब मैं जाता हूँ सेक्शन ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज कमांड पर। चलिए, इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा फिलहाल तो, पर यहाँ पे दो सेक्शन हो चुका है, मतलब ये जो पेज यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है यहीं से अगला सेक्शन बन चुका है। ये दो पेजेस हमारे एक सेक्शन में हैं, और ये दो पेजेस हमारे अगले सेक्शन में हैं। अब चलिए दोस्तों, चेक करते हैं यहाँ पर सेक्शन बने हैं कि नहीं बने हैं। चलिए, मैं फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में क्लिक कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ लाइन नंबर्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पे मैं मोर बटन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यूस का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमने जो भी लाइन नंबर्स डाले हैं ये यहाँ पर सिर्फ दो ही पेजेस को अप्लाई हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो पेजेस हैं ये अभी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, इसलिए इन्हें लाइन नंबर्स अप्लाई नहीं हुआ है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे सेक्शन बने हैं या नहीं बने हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको इस सेक्शन में भी नंबर्स चाहिए तो आपको इस सेक्शन पे स्टार्टिंग पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करके आपको फिर से लाइन नंबर्स के ऑप्शन पे जाके कंटिन्यूस या फिर रीस्टार्ट ईच सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप लोग कंटिन्यूस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो नंबर यहाँ पे 70 है ये यहाँ से 71 बन जाएगा। अगर आप लोग रिस्टार्ट ईच सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेक्शन में ये नंबर रिस्टार्ट होके फिर से पहले नंबर से स्टार्ट होगा। चले, मैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से 1, 2, 3 से स्टार्ट हो चुका है। चले, एक बार अंडू प्रेस कर देता हूँ, और आपको मैं कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पर यह भी इस सेक्शन से कंटिन्यूस भी हो चुका है, इस सेक्शन में 71 हो चुका है। इस तरह से हम दूसरे सेक्शन में लाइन नंबर्स को कंटिन्यू या फिर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि सेक्शन कैसे डिवाइड होते हैं। चलिए मैं दो बार अंडू प्रेस कर लेता हूँ। दोस्तों और एक तरह से आप लोग यहाँ पर सेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पता कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पर होम टैब के ऊपर जाना होगा और यहाँ पर हमें पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर ये जो कमांड है शो और हाइड का कमांड, इसके ऊपर हमें एक बार क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों क्लिक करते ही आपको यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर सेक्शन ब्रेक है, मतलब नेक्स्ट पेज से यहाँ पर नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है। सो इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक्स लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं ये शो और हाइड पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। देखिए वो सभी मार्क्स अभी जा चुके हैं। फिर से हम चलते हैं लेआउट टैब पर। तो अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे चलते हैं, ये है कंटिन्यूस का ऑप्शन। दोस्तों इस ऑप्शन को यूज़ करके हम सिर्फ एक ही पेजेस में कई सारे सेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर हमें नए पेज से दूसरा सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेज में हम सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए एक कंटिन्यूस का ऑप्शन यूज़ होता है। कंटिन्यूस का मतलब एक ही पेज में दूसरा सेक्शन भी कंटिन्यू हो जाए। चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों इसके पहले मैं ये पेजेस थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं आपको ये एक पेज में, मतलब ये पहला वाला पेज में आपको सेक्शंस बना के मैं दिखाऊंगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम मान लेते हैं हमें ये दो पैराग्राफ्स हैं ये एक सेक्शन में चाहिए और बाकी के जो बचे पैराग्राफ्स हैं वो अलग सेक्शन में चाहिए, मतलब हम एक ही पेज में दो दो सेक्शंस अभी डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों मुझे यहाँ से नया सेक्शन चाहिए तो मुझे इस रीडिंग के पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके मुझे इस ब्रेक्स के कमांड में जाके यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स के ऑप्शन में यहाँ पर जो दूसरा वाला कमांड है कंटिन्यूस कमांड, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों अब मैं क्लिक करता हूँ। लीजिए दोस्तों अब मैंने क्लिक कर लिया है, मतलब यहाँ पर अभी एक ही पेज में दो सेक्शंस बन चुके हैं। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि अभी यहाँ पर दो सेक्शन बने हैं या नहीं बने हैं। चलिए दोस्तों हम पहले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर और हम जाएंगे लाइन नंबर्स के ऑप्शन पर। इसके मोर बटन पर क्लिक करके अब हम कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर अभी लाइन नंबर्स लग चुका है और वो सिर्फ पहला वाला सेक्शन को ही लग चुका है और नेक्स्ट पैराग्राफ्स को इसलिए नहीं लगा है कि वो सभी अलग सेक्शंस में हैं, उसे हमें मैन्युअली फिर से लगाना पड़ेगा। चलिए मैं उसको भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं इसके पीछे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लाइन नंबर्स में जाके कंटिन्यूस क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ से कंटिन्यूस नंबर भी ले चुका है, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर नंबर्स को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार अंडू प्रेस कर देता हूँ और लाइन नंबर्स में जाके मैं यहाँ पर रिस्टार्ट ईच सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये दूसरा सेक्शन होने के कारण यहाँ से फिर से नंबर्स रिस्टार्ट हो चुके हैं। ब्रेक्स कमांड में अब बचे दोस्तों ये दो ऑप्शंस, मतलब इवन पेज और ऑड पेज का ऑप्शन। चलिए मैं उनको भी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मुझे इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। चलिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आ जाते हैं। देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है और इसी पेज में चैप्टर नंबर 2 भी है दोस्तों, और हमने क्या किया है इन पेजेस को नंबर इंसर्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पर पेज नंबर्स डाल दिया है। अगर आप लोग पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं ये नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर ये जो हेडर एंड फुटर्स का ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पर जो पेज नंबर का कमांड है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग पेज नंबर्स डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब चलिए दोस्तों लेआउट ऑप्शन पर चलते हैं। दोस्तों अब हमें ब्रेक्स कमांड के अंदर ये जो इवन पेज और ऑड पेज कमांड को करके देखना है, इसलिए हमने इस तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया है। मतलब चैप्टर 1 भी यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही है और चैप्टर 2 भी यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही है। दोस्तों क्या आपने कहीं पर इस तरह का बुक देखा है जहाँ पर दोनों चैप्टर एक ही पेजेस में हो? नहीं ना, तो फिर इस तरह नहीं हो सकता। हमें ये जो दूसरा चैप्टर है इसको अलग पेज पर शिफ्ट करना होगा। तो दोस्तों शिफ्ट करते वक्त हमें ये सोचना है कि ये जो चैप्टर 2 को नेक्स्ट वाला पेज जो है उसमें से इवन पेज पर सेंड करना है या फिर ऑड पेज पर सेंड करना है। दोस्तों आप लोग इवन और ऑड नंबर तो जानते ही होंगे। इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8 ऐसा, और ऑड नंबर का मतलब है 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। दोस्तों आप लोगों ने हर एक बुक में देखा होगा सभी जो नया चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो सभी ऑड नंबर के पेजेस से ही स्टार्ट होते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने एक टेक्स्ट बुक खोला तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसका कवर पेज खोलेंगे
अब क्या होगा दोस्तों, आपको अपने राइट हैंड साइड में नया चैप्टर दिख जाएगा। राइट हैंड साइड पेज का मतलब वो एक ऑड नंबर का पेज है, मतलब वहाँ से पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वहीं पर आपको चैप्टर 1 भी दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हमारा चैप्टर 2 या 3 भी स्टार्ट होता है तो वो भी ऑड नंबर के पेजेस पे ही स्टार्ट होंगे, मतलब हम जब बुक खोलते हैं हमारे राइट साइड के पेजेस पे ही स्टार्ट होंगे। सो इस तरह से हम अगर हमारे ये जो चैप्टर 2 है इसको भी एक ऑड नंबर के पेजेस पर ही शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके पीछे क्लिक करके यहाँ पर ये जो ब्रेक्स का ऑप्शन है इसके अंदर जाके हमें सेक्शन ब्रेक में ये ऑड पेज के ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही हमारा ये जो चैप्टर 2 है नेक्स्ट वाला जो ऑड पेज है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो नया चैप्टर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। दोस्तों लगभग सभी बुक्स में नया चैप्टर्स राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चाहे वो पेज ब्लैंक ही क्यों ना हो। चलिए मैं आपको इन पेजेस को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी पेजेस जूम आउट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पर पेज नंबर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चैप्टर 2 जो है इसके पीछे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके मैं ब्रेक्स के ऑप्शन में जाके सेक्शन ब्रेक्स के अंदर ऑड पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 2 है अभी जंप होके ऑड पेजेस से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 है और दोस्तों ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 3 है, मतलब यहाँ से जो पूरा चैप्टर 2 है वो कट होके पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब पेज नंबर 3 से ये नया चैप्टर अभी प्रिंट होगा। तो अब गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर पेज नंबर 2 नहीं है, मतलब पेज नंबर 2 यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 भी आ चुका है, मतलब पेज नंबर 2 अब गायब है। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 जो है यहाँ पर पहले ऑड नंबर पे प्रिंट होगा और बाद में जो दूसरा पेज है वो ब्लैंक आएगा और यहाँ पर तीसरा पेज है उस पर हमारा दूसरा चैप्टर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम हमारे पैराग्राफ्स में या फिर पेजेस में सेक्शंस बना के नेक्स्ट वाला ऑड नंबर के पेज पर सेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब अंडू प्रेस कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेज नंबर 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए मैं इस चैप्टर नंबर 2 को अगर नेक्स्ट वाला इवन पेज पर सेंड कर देता हूँ तो वो हमारे बुक खोलते जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेकेंड चैप्टर दिखाई देगा, मतलब हमारा नया चैप्टर जो है वो हमारे बुक के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, मतलब इवन नंबर से स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये वाला चैप्टर जो है यहाँ से आपको सेक्शन डिवाइड करके मैं अगला वाला इवन नंबर के पेज पर सेंड करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके ब्रेक्स कमांड में जाके मैं सेक्शन ब्रेक्स के अंदर यहाँ पर इवन पेज है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब हमारा ये जो चैप्टर 2 है अब नया पेज को जा चुका है और वो जो नया पेज है वो पेज नंबर 2 है, आप यहाँ पर गौर करके देख सकते हैं। मतलब हमें प्रिंट में चैप्टर 1 दिखेगा और उसी पेज के बैक में हमें चैप्टर 2 दिख जाएगा, मतलब नया चैप्टर जो है इस चैप्टर 1 के पीछे प्रिंट हो जाएगा। मतलब जब भी हम बुक खोलेंगे तो चैप्टर 2 जो है हमें बुक के लेफ्ट हैंड साइड में ही दिखाई देगा। सो इस तरह से हम पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक्स कमांड के अंदर हम सेक्शन ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें खत के जरिए भी अपना ओपिनियन भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे मेरा एड्रेस दे दूंगा, आप मुझे इसके रिगार्डिंग खत भी भेज सकते हैं। दोस्तों हर बार की तरह मैं आज भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग चाहे लाइक भी कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।